एंड वेलकम बैक टू बहरान रहमत। और गड़बड़ चल रही है हमारे यहाँ। अच्छा जी, आपको बताते हैं कि अब हमारे एक ऐसे सेगमेंट की शुरुआत हो रही है जिसमें यकीनन एक बहुत ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक तो तीनों ही मेहमान, और इसमें बहुत सारी हम यादें ताज़ा करेंगे, ना सिर्फ अपनी इनफरादी यादें बल्कि हमारी एज अ सोसाइटी, हमारी कौम की भी। एक ऐसा शख्स, एक ऐसी हस्ती जो आज भी हमारे दिलों में बसती है। जब हम रमज़ान का जिक्र करें तो जो अफिलिएशन है, पहली जो बात, पहली जो शख्सियत हमारे जहन में आती है वो जुनेद जमशेद साहब हैं। और उनके दुनिया में रुखसत हो जाने के बावजूद ऐसा लगता है कि वो उनका पढ़ा हुआ कलाम, उनकी कही भी बातें, उनकी वो अपेरेंसेस लोगों के दिलों में आज भी ज़िंदा हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं उनके साहबजादे जनाब तैमूर जमशेद। तो बहुत सारी यादें जो हमारी और उनकी जुड़ी हुई हैं उसका भी जिक्र यहाँ पर होगा। और उसके अलावा वी आर गोइंग टू रीविज़िट कि जी आज साल 2022 में एक सियासी सूरत हाल है, वक्त बहुत तब्दील हो गया, सोशल मीडिया आ गया, कन्वीनियंसेस आ गईं, कोविड आके गुजरा, लेकिन आज के रमज़ान में और हमारे बचपन के रमज़ान में हम क्या फ़र्क पाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे तैमूर को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया बुलाने का। मैं यहाँ पे आज टीवी पे एक तो यहाँ बहुत एफिलिएशन भी रही है मेरी ओवर द इयर्स, तो बहुत अच्छा लगता है हर दफ़ा यहाँ पे आने का। तो जज़ाक अल्लाह फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं हमारी बहुत ही प्यारी, यू नो हर एज अ समाजी कारकुन, लेकिन साथ ही साथ जब भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इशू होता है और ख़ास तौर पे रवायात की बात की जाती है तो बड़ा ज़बरदस्त बात करती हैं, इनकी बातें दिल को छू जाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया सारिम, बहुत बहुत शुक्रिया आलिया भाभी, एंड रमज़ान मुबारक। मेरी आपसे पहले मुलाकात है रमज़ान। अच्छा जी, आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर आमना अलाउद्दीन, यूर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आमना, आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। एक तो इंसान बेचारा ऐसा है ना कि हमें हमेशा गुजरा हुआ वक्त अच्छा लगता है। हम आज बैठ के आज की बहुत बुराई कर रहे होंगे, लेकिन जब ये आज गुजरा हुआ कल बन जाएगा तो शायद आज की भी तारीफ़ें शुरू कर दें। तो ये क्या नफ्सियाती फिनोमेना है, इस पे ज़रा आमना से हमने रुजू करना है। लेकिन सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं तैमूर आपसे। और मेरी पर्सनली अगर मैं बात करूँ, माई फर्स्ट एवर टेलीविजन अपेयरेंस वॉज विद जुनेद साहब, एंड दिस वॉज बैक इन PTV। आई हैड कम बैक आफ्टर विनिंग इन लंडन, और वो एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें यूथ को बुलाया गया था। ही वॉज कॉल्ड इन एज अ यूथ आइकन, और हम सारे स्कूल कॉलेज के बच्चे सामने बैठे हुए थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर द ऑरा ही हैड, एंड देन ऑफ कोर्स ही वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस। और उन्होंने अपने अक्सर इंटरव्यूज़ में इस जर्नी का जिक्र किया, इस इर्तिका का जिक्र किया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एज फैमिली, एज हिज सन, जब उनकी ओरिएंटेशन में, वर्ल्ड व्यू में इतनी तब्दीली आ रही थी, दीन से कुर्बत इख्तियार कर रहे थे जिसमें बहुत मुश्किल भी होंगी, तो आप सब पे उस वक्त वो क्या एक्सपीरियंस था आपके लिए? चित्रा, ऐसा था कि मैं इसमें मैं क्रेडिट अपने दोनों पेरेंट्स को दूंगा कि हमारी लाइफ में आप समझें 360 डिग्रीज चेंज आ रहा था, लेकिन उन लोगों ने इतना प्यार से, इतने अच्छे तरीके से हमें उस पीरियड के अंदर मोल्ड करा कि हमें उस तरह फील नहीं हुआ कि हमारी जो है लाइफ इतनी चेंज हो रही है। अब्बा को टीवी पे देखते थे, वो सब अब मना कर दिया कि अब म्यूज़िक नहीं होगा, अब नहीं देखना, और अब उस तरह जो है जिस तरह चल रहा था वो मामला नहीं चलेगा। और ये भी बात हुई कि यार स्कूल छोड़ के मदरसे करना चाहिए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट आई फील लाइक कि ये बहुत बड़ा चेंज होता है, तो इसके लिए दिल भी बड़ा करना पड़ा। हमने कहा इस तरह कर लेंगे कि सुबह जो है मदरसे कर लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा स्कूल कर लेंगे, क्योंकि इस तरह तो बिल्कुल एक चीज़ पर फोकस नहीं करना। जिस तरह स्कूल पे पूरा फोकस अगर आधा करना है तो मदरसे में भी इसी तरह करना है कि दोनों चीज़ों को लेकर चलना है। तो इसमें मेरी वालदा का बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है इन दोनों चीज़ों को हैंडल करा। आप लोगों को कभी ऐसा फील हुआ कि ये तो आप बदल रहे हैं लेकिन हम पे ये तब्दीली मुसल्लत की जा रही है, कभी ऐसा महसूस होता था? अच्छा, आपको बताऊँ, आप हमारे लिए घर में भी वो सुपरस्टार थे, ठीक है, तो जिस तरह वो जो चीज़ करते थे हम उसको एक्सेप्ट करते थे और फॉलो करते थे कि ये जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक मोटो था कि जो चीज़ करूँगा वो बेस्ट करूँगा। उनका एक अंदर से एक विलिंगनेस थी ऑफ डूइंग एवरीथिंग द बेस्ट।
और बहुत नफीस इंसान। अभी हम थोड़ी देर पहले यही गुफ्तगू कर रहे थे कि आपका फ़न भी अल्लाह की तरफ से होता है, आपकी किस्मत, आपको जितना पैसा, रुतबा, शोहरत मिलती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमाई है जो मोहब्बतें आप दुनिया से समेटते हैं और जिस तरह लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा कर दी जाती है, वो आप मेहनत से नहीं कमा सकते, वो अल्लाह की देन होती है। अली भाभी आप क्या कहेंगी, हमारा चूँकि टॉपिक है बचपन का हमारा रमज़ान या गुजरा हुआ रमज़ान और आजकल की नई रिवायतें, आजकल बड़ी सारी कन्वीनियंसेस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें फ्रोज़न मिल जाती हैं, इतनी ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, घर में चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन आप पुराने रमज़ान के बारे में क्या मिस करती हैं, बचपन के रमज़ान के बारे में? मैं तो पहले जुनेद भाई के लिए कुछ कह दूँ, क्योंकि मैं भी पीएफ शारिया फैसल की, मैट्रिक मेरा वहाँ का और इनका भी वहीं का। मैं इनकी नानी को, दादी को, जिनको मैं जानती हूँ, कि जब उनका वाइटल साइन का पहला सॉन्ग आया था और हम लोग एक जगह ख़रीदारी कर रहे थे, तो दादी सबको बता रही थी जुनेद जमशेद मेरा बेटा है, उसकी अभी ये वीडियो आई है और वो बहुत पॉपुलर हुआ है। तो जो आपकी दादी इस वक्त मेरे जहन में, उनका अपनी भूल गई और उनका चेहरा मेरे जहन में आ गया और अब्बा का आ गया, मस्जिद में इनके दादा का और इनके अब्बा का और उनके भाइयों का आके नमाज़ पढ़ना, ताल्लुक़ तो बहुत रहा। और जुनेद भाई ऐसे ही थे ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी के बाद भी, कि आप उनके शहर में, उनकी शख्सियत में गुम हो जाते हैं, और उनके बारे में बात करना अच्छा लगता है, और जिससे आप मोहब्बत करते हैं इसका अंदाज़ा यूँ होता है कि जब भी आप उसके लिए बात करते हैं आप थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब है कि आप उनसे अटैच हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला, बहुत आला मकाम दे, उनके दर्जात बुलंद करें। अब इतना तो हक अदा किया कि वहीं स्कूल का, बेस का। मेरा रमज़ान, मैं ज़िंदगी भर मैंने सादा ही रमज़ान गुजारा है, मतलब, और क्योंकि अब्बा बहुत यंग एज में गए थे तो मेरे घर में सादगी बहुत ज़्यादा आ गई थी, बहुत ज़्यादा मेहमानदारी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि जिस घर में सरबराह नहीं हुआ करता वहाँ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आना जाना आपके लिए तकलीफ़देह हो जाता है। लेकिन रोज़े रखना, सहरी, अफ्तारी, इबादत करना और सबसे बढ़कर अपनी माँ की पाकीज़गी को देखना, वो सबसे अजीम था। रमज़ान बाप के बगैर गुजारना और ईद गुजारना, और जब आपको ये सारी चीज़ें फिर आगे जाके मिलती हैं ना, तो आप बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना कि गम की अगर आपने रात गुजारी हो या आपने नहीं देखा हो कि वो हल्ला गुल्ला या वो गहमा गहमी क्या होती है, तब आप अपने बच्चों के लिए करते हैं तो आपको और ज़्यादा वो महसूस होता है। आप तो भरपूर ऐसे हाँ। आप तो माशाल्लाह मेरी जॉइंट फैमिली है, मैं जॉइंट फैमिली के साथ हूँ, माशाल्लाह इतना लंबा दस्तरखान होता है, इतनी बड़ी बड़ी ट्रेस पकौड़ों की मैंने, और मेरे पकौड़े बहुत मशहूर हैं, पकौड़े, दही फुल्की बहुत अच्छी बनाती हूँ, तो माशाल्लाह मोहल्ले में भी मशहूर हैं। अल्लाह ने मुझे इतना फिर बेहतरीन ससुराल दिया और इतने सारे रिश्ते दिए, हालांकि अगर ब्याह कर आ गई, यहाँ बहुत गहमा गहमी होती है, यहाँ तो हाँ ट्रेज मांगी जा रही हैं और कहते हैं तुमने पकोड़े अपने सामने रख लिए, फ्रूट चाट इधर तो पास कर दो, क्या सारे तुम ही खा लोगे? बस हम कल भी बात कर रहे थे कि जो शरबत और जग के पास होता है सबसे ज्यादा मुश्किल उसकी आती है, कहते हैं बार बार ढोकते रहते हैं, एक कहते हैं वो डाल दो, वो चाट मसाला डाल दो, दूसरा कहते हैं बिल्कुल ना डालना, मेरे हलक में लगता है। बहुत खूबसूरत मंजर है यही सहरी में और यही अफ्तारी में। मेरी रोटी अच्छी होती है तो रोटी पकाना मेरी जिम्मेदारी है, तो माशाल्लाह जब सब सहरी के लिए बैठते हो मैं गरम गरम रोटी लाती हूँ, और मेरे बच्चों में से सारिम साहब ये कहते हैं कि लेट हो रही हो तुम भी खा लो, तो मैं यही कहती हूँ आप लोग पहले खा लें, मैं आखिर में जैसे भी होगा जल्दी जल्दी खा लूँगी। अब ना आप क्या कहेंगी, गुजरा हुआ वक्त, यानी व्हाट हैपेंस टू अस साइकोलॉजिकली, कि जो उसके गुजर जाने का एहसास ज़्यादा होता है कि कभी ये वक्त लौट के नहीं आएगा, जो उसको इतना कीमती बनाता है, या हमारा माइंड उसको, उस तस्वीर को बदल लेता है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग देयर? दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे सिद्रा, ये हमारे दिमाग का एक डिफेंस होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें और अच्छी यादों के साथ आगे बढ़ सकें। इसको हम रेट्रोस्पेक्ट में कहते हैं कि हर चीज़ हमें वैसे ही ज़्यादा इनहेंस दिखती है, क्योंकि दिमाग के पास कैपेबिलिटी नहीं होती हर चीज़ को याद रखने की, तो वो प्रोमिनेंट चीज़ें याद रखना चाहता है, अब वो अच्छी हो या बुरी हो वो दोनों याद रख लेता है। और ये होता इसलिए कि जब हम आज में होते हैं तो हमारे पास अच्छी बुरी दोनों चीज़ें होती हैं, तो जब हम गुजारते हैं तो हम इतना प्रेजेंट ओरिएंटेड नहीं होते, हम एक्टिव नहीं होते, हमारा दिमाग होता है आगे क्या करना है, पीछे क्या हो रहा है। जब वो वक्त गुजर जाता है ना और हम बैठते हैं अपने फिर आज में उसको रेट्रोस्पेक्ट में सोचने के लिए, तो दिमाग उन चीज़ों को पकड़ लेता है ताकि वो फील ना करे कि उसके पास कुछ नहीं है आज में सोचने के लिए। तो वो जो ग्रेटफुलनेस होती है ना, वो आपको पीछे ज़्यादा इसीलिए फील होती है क्योंकि आपका ब्रेन गुड पार्ट्स और बैड पार्ट, किसी की यादें बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं रमज़ान से रिलेटेड, किसी की बहुत दुख भी हो सकती हैं, या कोई ऐसा एक वाकया हो सकता है जो हमेशा के लिए आप बिल्कुल जो बैठ जाता है, तो वो इस ये आपका ब्रेन डिफेंस कर रहा होता है ताकि जैसे आप आगे बढ़ते रहें आपके पास कुछ हो। और ये अच्छी बुरी आदतें दोनों आपको मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने के लिए। अपना शौक के बारे में क्या कहोगी, लाइफ में जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो, जो हम यू नो
चाहे वो सियासी तौर पे हो या हमारी इनफरादी ज़िंदगी में हो, जो हम एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, जब वो हो जाता है तो हमारा ब्रेन उससे कैसे कोप करता है? स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। जब आपको शॉक मिलता है तो आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर रहा होता। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं तो आप टाइम आउट दे दें उस बंदे को, ना वो सोचने की सलाहियत रखता है उस वक्त, ना फैसला करने की रखता है, क्योंकि आपकी ब्रेन की कैपेबिलिटी सब कुछ स्टैग्नेंसी पे होती है, शॉक में चले गए। यस, इसीलिए हम यूजुअली थेरेपिस्ट कहते हैं कि 24 आवर्स गुजरने दिया करें उस वक्त को, उस चीज़ को, उस तकलीफ को, और उसके बाद उस बंदे से मुखातिब हो। किसी का कोई वफात हो गया, किसी की बुरी डेथ हो गई, कुछ न्यूज़ मिल गई, हमारी आदतें होती हैं हम फौरन जाके बात करना चाहते हैं, हम उस बंदे से भी डील करना चाहते हैं। शॉक की स्टेट होती है जब पॉज हुआ होता है सब कुछ। मेरे ख्याल में आपकी बातें सुन के ना आई एम गोइंग बैक टू द टाइम जब जुनैद जमशेद साहब इस दुनिया से रुखसत हुए थे। आई थिंक वो एक ऐसा शौक था जिसमें सिर्फ इनकी फैमिली नहीं, पूरी दुनिया थी, बिकॉज एक ऐसा चमकता सितारा जिसको हम कहें कि पाकिस्तान का एसेट है, फ़ख्र है, यकायक हमारी नज़रों से ओझल हो जाए। तैमूर, आपसे जानना चाहेंगे कि मैं यही अपना मंजर याद कर रहा था। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मुझसे लोग मिलते हैं अभी भी और वो कहते हैं कि आपसे लास्ट कुछ उसी हादसे के कुछ अरसे बाद कि आपसे मुलाकात हुई थी, हमने ताज़ियत की थी। तो मैं उनसे उसी वक्त माजरत उस टाइम पे करता था कि मुझे वो वक्त बिल्कुल याद नहीं है। एंड अभी भी मैं जिस तरह मैं याद करता हूँ ना तो मुझे क्लियर पिक्चर्स नहीं है उस टाइम के, मुझे गैप्स आते हैं मेमोरी में। एंड उसको इतना अवॉइड करने की कोशिश करी है कि मेरे पास उस वक्त की प्रॉपर मेमोरीज भी नहीं है, बिकॉज वो इस तरह का हादसा था, इस तरह का एक ट्रेजेडी थी कि जिसको हमने, मेरा एटलीस्ट कोपिंग मैकेनिज्म जो था वो यही था कि इसको कम से कम याद करें, कम से कम बात करें। लेकिन तभी कहते हैं ना कि जो चला जाता है उसकी फिर आप अच्छाइयाँ करते हैं, बिकॉज दैट्स द इमेज यू वांट टू लिव विद, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी अच्छी आदतों को, उनकी आवाज़ को, उनके कलाम को। आई थिंक आज भी जब हम उनका पढ़ा हुआ कलाम सुनते हैं, खुसूसन माह रमज़ान में, तो ये आई एम श्योर कि उनके लिए एक सदका जारिया का सबब बनता होगा। अल्लाह ताला जवार रहमत में जगह दे। हम याद कर रहे हैं यहाँ पर जुनैद जमशेद साहब को। एक क्विक जी नज़र मैं फ़ौरन डाल लूँ, किचन में तैयारियाँ पूरी हैं, आज ही फ्रेश क्रिस क्रॉस बंस बन रहे हैं, आज ही वो सॉसेजेस में, ये रोजाना हमारा इम्तिहान होता है जो समियां लेती हैं, वो भी एंड फ्री इफ्तार में इम्तिहान ले रही होती है। बहुत शुक्रिया जी आपका आज के टेस्ट के लिए, लेकिन हम आएंगे एंड फ्रेश क्रिस क्रॉस बंस बन रहे हैं जिसके साथ सॉसेजेस। आने रहमत किचन में चलते हैं जी, बड़ी सफाई से काम हो रहा है, नहीं सफाई से नहीं हो रहा है, अभी तो बहुत कुछ फैला हुआ है। क्या बनने लगा है? कंसीडर्ड सफाई यहां पे, पता है? नहीं, सॉरी, हम पर्सनल ले लिया, मुझे पता है बन बन रहे हैं। मुझे ये बताएं अब क्या करना है, व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट? या आई एम एक्चुअली गिविंग इट अ लिटिल रेस्ट, आई हैव कोटेड इट विद फ्लावर ताकि यहां पे नीचे चिपके ना, ठीक है? और इसके यहां पे जब तक इसको हम लोग रेस्ट देते हैं थोड़ा सा, व्हाई डोंट आई टेल यू कि यहां पे अभी हमने यहां पे हॉट डॉग्स देते हैं, हमारे सॉसेजेस थे, उनको चूल्हे पर रोस्ट किया था, ठीक है? जस्ट टू गिव इट अ नाइस कलर, जस्ट टू गिव इट अ नाइस फ्लेवर, यू नो, रोस्टेड फ्लेवर अच्छा सा। और इस पे जरा तवज्जो दो क्योंकि मुझे आजकल हर उस चीज से जेलसी हो रही है जो रेस्ट कर रही है। जब मैं रेस्ट नहीं कर रही तो ये रेस्ट क्यों कर रहा है? इसको प्लीज बनाया जाए फौरन, है ना? तेमो बुरे लग रहे होते हैं वो लोग, तो सुबह से जब काम पे आ रही हूँ तो कोई आराम से बैठा हो ना, मैं काम पे जा रही हूँ, गेट अप, वेक अप, बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट जिसमें हम बड़ी सारी यादें अपनी ताज़ा कर रहे हैं, और आलिया भाभी भी बता रही थी इनका जो इंटरेक्शन रहा है, बिकॉज यू वर इन द सेम स्कूल, आपने नोटिस किया कि सेम स्कूल एंड सेम बेस। वाओ, ओके। उनके फादर एयर कमांडर जमशेद वहाँ हुआ करते थे, और हमारी भी रिहाइश वहाँ शारे फैसल पर थी, मेरी पूरी ज़िंदगी वहाँ गुजरी है। जुनैद भाई ने, मुझसे सीनियर थे ये, और जुनैद भाई ने जब स्टार्ट लिया था ना, तो स्टार्ट लेने में उन्होंने नातों से शुरू किया था, क्योंकि जो टीचर्स, जैसे 8th-9th के स्टूडेंट्स होते हैं तो टीचर्स को कहते हैं टीचर प्लीज़ हमें एक मौका दे दीजिए, तो जुनैद भाई ने इनिशियली नातें स्टार्ट की थी। फिर दुनिया है ना, अल्लाह ने हुसन भी दिया था, अल्लाह ताला ने आवाज़ भी दी थी, फिर जहाँ भी चले गए वो ज़माने में, लेकिन देखिए पलट के ओरिजिनली फिर वो उसी नात पर आ गए जो वो प्योर सोल थी उनकी। मैं अक्सर ये नोटिस करती हूँ उन लोगों के बारे में जो दुनिया में वाकई कोई इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, और हमेशा आप देखें, इफ़ यू विल ट्रेस बैक, हमें कहा भी जाता है ना कि कहानी हमेशा इट विल मेक सेंस गोइंग बैकवर्ड्स। अभी आपकी ज़िंदगी में हो सकता है बहुत कुछ हो रहा हो, किसी ऐसे दौराहे से आप गुजर रहे हैं, दैट्स नॉट मेकिंग सेंस, बट व्हेन यू विल लुक बैक द डॉट्स विल कनेक्ट, और वाकई इसकी जो शुरुआत होती है वो बहुत अर्ली ऑन मिल जाती है। आमना, सो एनीबडी हु इज़ गोइंग थ्रू डिस्ट्रेस राइट नाउ, उसको कोई एक टिप अगर तुम देना चाहो। जैसे अभी आपने बात बोली कि हम में से जितने ज़्यादा लोग रेस्ट कर रहे हैं, हाँ, और ये हमें पसंद नहीं आता लेकिन मुझे लगता है ख़ासतौर पे रमज़ान, और ख़ासतौर पे जो हमारे आसपास का माहौल चल रहा है, जो आसपास की न्यूज़ है,
हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर रेस्ट करने की जरूरत है। और जब मैं रेस्ट कह रही हूँ तो रेस्ट का मतलब सिर्फ सोना नहीं होता, रेस्ट का मतलब अपने साथ वक्त गुजारना होता है, सुकून में वक्त गुजारना होता है। हम इतने ज्यादा स्टिमुलेटेड हैं सिद्रा, हमारे हाथ में 24 घंटे हमारे फोन होते हैं और 24 घंटे चाहे वो न्यूज हो चाहे वो कुछ भी हो, गुफ्तगु जितनी ज्यादा अल्फाजों से हो वो ज्यादा बेहतर होता है देन सोशल मीडिया के थ्रू। आप बिल्कुल इसका टाइम लें, आप घंटा दें, दो घंटा दें, बहुत अच्छा होता है, but then come back to your originality. और फिर आप अपने साथ बैठे। इतनी आदत हो गई है इस सेंसरी ओवरलोड की और 15 काम करने की कि मैं जिस दिन जरा अच्छा सो के आ जाऊँ ना तो मेरी टीम कहती है आज क्या बात है, आज समथिंग इज डिफरेंट, आज अपने अपने मेकअप फर्क ही है और कुछ नहीं होता, सिर्फ रेस्ट ज्यादा कर लिया। मजा है ना जुलाई के, बिल्कुल 1-to-1 वाला मजा है, वो कभी सोशल मीडिया पे नेट पे मिल ही नहीं सकता। मैं पता है एक और एंगल के बारे में सोच रही थी, जैसे इन्होंने ये बात कही तो वाकई जैसे हमेशा कहा जाता है कि अगर आप नमाज पाबंदी से अदा कर रहे हो तो आपके वक्त में बरकत आ जाती है। तैमूर अभी आप कह रहे थे कि अल्लाह ताला ने वाकई कुछ लोगों को ना किसी खास काम के लिए भेजा होता है। जुनेद साहब की ज़िंदगी की तरफ अगर हम देखते हैं, ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर, यानी एक जो 180 डिग्री शिफ्ट आया इन पर्सनालिटी, वो भी कभी कभी आपको रश आता है कि वो अपने वक्त के साथ क्या कुछ कर पाते थे? मैं तो हर रोज़ ये सोच रहा होता हूँ कि अभी मैं एक कंपनी देख रहा हूँ, वो इतनी सारी चीज़ें देख रहे होते थे, मैं सोचता था वक्त में बरकत कैसे आती। जिस से भी मिलो ना वो यही कहता था कि यार उनसे मेरी अभी बात हुई, मैंने अभी उनके साथ खाना खाया, मैंने उनके साथ ये किया था, हम यहाँ भी गए थे, हमने कभी कोई कह रहा है कि मैं जेट स्की पे ले गया था उनको, कोई कहता है मैं फलानी जगह पे, मैंने कहा कब टाइम था, मैं तो आधे टाइम आपको टीवी पे देख रहा होता था, कभी उनको प्रोग्राम की तस्वीरों में देख रहा होता था, आप पता नहीं टाइम कहाँ आता था इनके पास ये सब चीज़ें करने का, लेकिन उनका यही था, अल्लाह ताला ने उनके टाइम में बरकत डाली हुई थी क्योंकि उनसे बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, चैरिटी वर्क भी वो कह रहे थे। अच्छा चैरिटी वर्क मैं आपको बताऊं, बहुत लोगों को इसके बारे में मालूम भी नहीं था, वो तो मुझे अब बहुत लोगों ने आके बोला कि इस जगह पर जाते थे, इधर मस्जिद बनाई, इधर घर बनाए, इधर वाटर पम्प लगाए, वो सब चीज़ें तो बिहाइंड द सीन्स चल रही होती थी कि एक हाथ से दिया दूसरे को भी बताना चला। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन मुझे बताएं तैमूर के बड़े बड़े लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं, कहानियाँ लिखी हैं, स्पेशली इफ़ देयर फादर्स और देयर पेरेंट्स वर फेमस पीपल, के हमने इनकी ज़िंदगी से क्या एक सबक सीखा। अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि वन थिंग दैट विल ऑलवेज स्टे विद यू क्योंकि ये आपके फादर की लेगेसी है, वो क्या होगी? आई वुड डेफिनेटली से कि एक्चुअली दिस इज नॉट वन थिंग, नाउ दैट आई एम थिंकिंग अबाउट इट मेरे दिमाग में दो तीन चीज़ें आ गई हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट आई फील के वो यही है कि लोगों के साथ अच्छी तरीके से बात करना, अच्छी तरीके से मिलना, एक कनेक्शन ऐसा बनाना कि वो दूसरे के दिल में जगह बना लें, बिकॉज वो यही चीज़ें आप देख लें कि आज भी हम बात करें, इतनी सारी अच्छी बातें आलिया ने भी करी और इतनी सारी हमने बातें करी, वो इसलिए करी क्योंकि उनने कोई ऐसी चीज़ कर ली, कोई ऐसी चीज़ इन रिलेशन कर ली कि हमारे दिलों में जगह बना ली। आई डोंट थिंक आलिया भाभी कि हम ना कभी किसी से मिलते हैं तो हम ये सोच के कभी नहीं मिलते कि यार पता नहीं शायद ये मेरी इनसे पहली या आखिरी मुलाकात हो, और वो जो इम्प्रेशन हम उस वक्त क्रिएट कर रहे हैं दिस पर्सन विल कैरी इट थ्रू फॉर लाइफ, अगर सिर्फ ये हम अपनी ज़िंदगी में अपने जहनों में ले आएँ हमारी कितनी इंटरेक्शंस बेहतर हो जाएं कि यार मुझे नहीं पता अगर मुझे गुस्सा आ भी रहा हो बट इफ़ आई विल नेवर सी यू अगेन दैट सडनली विल चेंज माय एटीट्यूड राइट। आपने भी जो एक बात की ना बहुत अच्छी थी कि ये मोहब्बतें और ये जो भी बातें आप कर रही हैं ना ये ब्लेस्ड लोगों की होती हैं, ये अल्लाह की तरफ से आती हैं। हाँ ये ज़रूर कहती हूँ कि अगर सोल प्योर है तो उसमें आपको एक आसानी मिल जाती है कि पॉजिटिविटी आपको महसूस हो जाती है एकदम। और मैं आज बिल्कुल गुम हो गई अब्बा की बात, मुझे भी अपने अब्बा याद आ गए। मेरे अब्बा ने सिर्फ एक चीज़ सिखाई थी और मैंने उनको ज़िंदगी में देखा, रिस्क के हलाल कमाओ। और मेरे अब्बा एयरफोर्स में थे, रिस्क के हलाल कमाया। मेरे अब्बा की डेथ के बाद सारा पैसा, हम डेपोटेशन में थे सऊदी अरब में, वहाँ स्टक हो गया। लेकिन जब मेरे घर में पहली बड़ी बहन की शादी हुई वो सारा पैसा अल्लाह ताला ने ऐसे ला कर दे दिया जैसे कभी कहीं स्टक हुआ नहीं था, वो वहाँ मल्टीप्लाई भी होता रहा। और आप यकीन जानिएगा कि जब आप अल्लाह के लिए कोई काम करते हैं तो आपके सही वक्त पर अल्लाह खुद वो सब कुछ आपको देता है, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों अल्लाह पर छोड़ दीजिए। सही वक्त पर हलाल कमाई, 200 नाखूनों की कमाई कहीं नहीं जाती, वो आपके काम आती है, आपकी नस्लों के काम आती है। इस तरह के मौला अली का कॉल भी है ना कि सुबह तुम्हारा रिस्क तुम्हें ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत उसका पीछा करती है, तो फिक्र करने की तो कोई बात ही नहीं है। बहुत शुक्रिया आमना हमारे साथ मौजूद थी, आलिया भाभी एंड ऑफकोर्स तैमूर, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड फॉर ब्रिंगिंग ऑल दीज ब्यूटीफुल मेमोरीज। वी विश यू ऑल द बेस्ट इन योर एंटरप्राइज एज वेल। आप जज़ा के साथ मशगूल होते हैं और अल्लाह ताला उसमें जज़ा खैर दे आप।